हाउ टू अनलॉक ऑल करेक्टर इन ट्विन क्रैफ्ट। सो फ्रेंड यहाँ पे जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं ट्विन क्रैफ्ट के अंदर जितने भी यहाँ पे करेक्टर हैं फ्रेंड, यहाँ पे कुछ ही करेक्टर हमें फ्री में दिए जा रहे हैं। एंड गाइस यहाँ पे जितने भी बेस्ट बेस्ट करेक्टर यहाँ पर हैं सभी जो है यहाँ पे लॉक लगे। तो गाइस इसे हम अनलॉक कैसे करेंगे तो इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल्स में बताने वाला। सो गाइस ट्विन क्रैफ्ट कार्टून वीडियो बनाने के लिए बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है। अगर आप लोग मोबाइल से कार्टून वीडियो बनाना चाहते तो गाइस ये एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि फ्रेंड इसमें आप लोग को बहुत ही नॉर्मल वाला एडिटिंग मिलता है और जो वीडियो रहता है काफ़ी फाड़ू रहता है। तो फ्रेंड मैं आप लोग को बताऊंगा यहाँ पे जितने भी करेक्टर लॉक लगे हैं उसे आप लोग अनलॉक कैसे करोगे, यहाँ पे बिल्कुल मोबाइल से मैं आप लोग को लाइव प्रूफ देने वाला। सो फ्रेंड यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे सभी करेक्टर मेरा अनलॉक नहीं है, ठीक है। तो गाइस इसे सिंपल सा मेथड है फ्रेंड, हम इसे अपग्रेड करेंगे, ठीक है। तो अपग्रेड करेंगे तो देखेंगे हमें कितने करेक्टर एंड कितने बैकग्राउंड यहाँ पर दिए जा रहे। तो गाइस यहाँ पर लिखा है रीन्यू अपग्रेड, तो गाइस यहाँ पर न्यू री वो अपग्रेड लिखा है, हम इस पर टैप करेंगे। टैप कर देने के बाद फिर यहाँ पे आप लोग को अच्छे से समझना है, अगर आप लोग रियलिटी में कार्टून वीडियो बनाना चाहते फ्रेंड, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम कार्टून वीडियो बनाकर यूट्यूब से पैसा अर्निंग करना चाहते हैं, तो गाइस मैं आप लोग को यहाँ पे पेमेंट करके दिखाऊंगा कि फ्रेंड आप लोग इसे पेमेंट कैसे करोगे। बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है कार्टून वीडियोस बनाने के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग को ध्यान से समझना, 200 रुपये लिखा है फ्रेंड, इसमें आप लोग क्या कर पाओगे, ठीक है। तो 200 रुपये में फ्रेंड सिर्फ आप लोग एक ही मौत इस एप्लीकेशन को चला सकते हो। एंड गाइस मोस्ट पॉपुलर यानी कि 600 रुपये अगर आप लोग पेमेंट करोगे तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन आप लोग 1 साल यूज कर पाओगे। वो भी फ्रेंड बात करें 400 रुपये वाला, 400 रुपये वाला अभी आप लोग एक ही मंथ यूज कर पाओगे, 900 रुपये वाला एक ही आप लोग 1 साल यूज कर पाओगे। तो आइए फ्रेंड मैं आप लोग को यहाँ पे 600 रुपये वाला अपग्रेड करके दिखाता हूँ और देखते हैं फ्रेंड हमें कितने करेक्टर एंड कितने बैकग्राउंड हमें यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपग्रेड नाउ वाले पे हम टैप करते हैं, सॉरी यहाँ पे अपग्रेड लिखा है, ठीक है, इसमें हम टैप करते हैं। एंड गाइस जैसे आप लोग इस पर टैप करोगे तो यहाँ पे हम टैप कर दें, आप लोगों को भी कुछ इस तरह से करना है। सो गाइस यहाँ पे प्रोसेसिंग का टाइम चल रहा है, आपका नेटवर्क जितना फास्ट होगा ये उतना रफ्तार खोल के देगा। फिलहाल जो मेरा नेटवर्क है काफ़ी यहाँ पे लो होगा, आप लोग जैसे देख पा रहे 2% मेरा नेटवर्क, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड हमारे यहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता, काफ़ी प्रॉब्लम होता है, घर से बाहर हमें वीडियो अपलोड करना पड़ता है, ये आप समझ सकते होंगे। सो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं काफ़ी लेट हो रहा है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको कोई भी ईमेल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट से यहाँ पे साइनिंग करने के लिए मांगेगा, ठीक है। आप लोग फ्रेंड आपके मोबाइल पे ईमेल अकाउंट होगा तो आप लोग ईमेल अकाउंट से ही साइनिंग कीजिएगा, ये मैं आप लोग के लिए बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं, कंटिन्यू ईमेल अकाउंट पे हम क्लिक करते हैं। एंड गाइस आप लोग एक ईमेल अकाउंट से साइनिंग कर लीजिएगा, फिलहाल मैं अपने एक ईमेल अकाउंट से साइनिंग कर रहा था। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे मेरा सक्सेसफुल साइनिंग हो गया है, उसके बाद फिर से हम क्या करते हैं अपग्रेड वाले बटन पर क्लिक करते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पे अपग्रेड वाले बटन क्लिक करते हैं। एंड गाइस यहाँ पे लोडिंग वाला यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे ऑप्शन खो रहा है, उसके बाद में आप लोग को यहाँ पे एक मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ से हम अपना एक मोबाइल नंबर डाल देते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, उसके बाद आपको पूछा रहा है फ्रेंड कि आप किस चीज़ से यहाँ पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ से हम पेमेंट करना चाहते हैं अपना फोन पे से, तो गाइस यहाँ से हम फोन पे वाले पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद फ्रेंड आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे हम अपने फोन पे वाले टैप कर दिए। एंड यहाँ पे नाउ जो बटन दिख रहा है आप लोगों को, पे ने वाले पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो पे ना वाले पे क्लिक करते हैं। एंड गाइस योर पेमेंट इज यहाँ पे लिंक, ठीक, या उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड मेरा डायरेक्ट यहाँ पे फोन पे घुसा दिया, यहाँ पे अपना फिंगर को दे देते हैं। फिंगर को दे देने के बाद फ्रेंड यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे अब यहाँ पे पूरा प्रोसेस किसिंग का टाइम चल रहा है, उसके बाद यहाँ से फिर से हमको डायरेक्ट फोन पे में घुसा दिया, उसके बाद फिंगर प्रिंट मांग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे साफ साफ हमें दिखा रहा है फ्रेंड कि आपको फोन मतलब ये जो ट्विन क्रैफ्ट में आपका इतना पैसा कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पे वाले नाव पे क्लिक कर दे 600 रुपया, उसके बाद देखते हमें कितने करेक्टर एंड कितने बैकग्राउंड अब हमें दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से अपना पासवर्ड डाल देते हैं, जो भी मेरा पासवर्ड है आप अपना पासवर्ड डाल दीजिएगा। तो गाइस जैसे कि देख पा रहे मैंने अपना पासवर्ड को यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया। एंड गाइस यहाँ पे मेरा पेमेंट जो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब दोबारा जाएंगे हम ट्विन क्रैफ्ट एप्लीकेशन में, जैसे कि देखो वेटिंग फॉर पेमेंट, ठीक है, यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे इसकी कोई भी रिडीम कोड है तो इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लें, ठीक, तो कॉपी हो गया है। एंड गाइस जैसे कि देख पा रहे मेरा यहाँ पे अपग्रेड हो चुका है, ठीक है, अपग्रेड योर परचेज, ठीक। अब देखते हैं कि यहाँ पे हो चुका है काफ़ी, मतलब यार 600 रुपये यहाँ पे गया है, आप लोग समझ सकते होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से इसको कट करते हैं और यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे मेरा जो करेक्टर यहाँ पे सभी मिल चुके हैं। अब देखते हैं कौन सा हमें करेक्टर दिया है या नहीं दिया। ये करेक्टर नहीं दिया आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, ये भी करेक्टर हमें नहीं दिया, काफ़ी दुख लगा। बाकी ये नीचे वाला करेक्टर मिल चुका है जैसे कि देख पा रहे हैं, बाकी नीचे वाला करेक्टर हमें मिल चुका है, ये सब करेक्टर मिल चुका है, यानी कि बढ़िया। अब बैकग्राउंड हम चेक करेंगे गाइस कि बैकग्राउंड हमें दिया गया है या नहीं दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम बैकग्राउंड टैप करते हैं, बैकग्राउंड को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे बैकग्राउंड हमें यहाँ पे सब दिए गए हैं कि नहीं दिए,
तो बैकग्राउंड लगभग हमें एक ये नहीं दिया है, जैसे कि देख पा रहे ये लोक लगा है, ये नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक बैकग्राउंड हमें ये नहीं दिया है, बट यहाँ पे हमें सभी करेक्टर जो यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है, तो करेक्टर हमें यहाँ पे मिल चुका है एंड ऑडियो वगैरह भी चेक करना बनता है बॉस, ठीक। तो यहाँ से फिर से हम ऑडियो वगैरह भी चेक करेंगे, क्या क्या हमें ऑडियो दिया है या नहीं दिया, ए टू जेड यहाँ पे अभी फिलहाल चेक करेंगे, ठीक है। दोबारा पेमेंट नहीं होगा, ठीक, क्योंकि मैंने पेमेंट कर दिया भाई, ठीक। यहाँ से चलो एक डाउनलोड करते हैं, मैंने डाउनलोड, नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद चलो कोई भी एक करेक्टर को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है फ्रेंड तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे हम क्लिक करते हैं। सो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक किया, जैसे कि देख पा रहे मेरा करेक्टर यहाँ पे दो आ चुका है, ठीक। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ऑडियो वगैरह हमें दिया गया, प्लस पे जाएंगे एंड यहाँ से देखते हैं हम ऑडियो वगैरह बैकग्राउंड, यहाँ पे सॉरी बैकग्राउंड पे हम टैप करें, चलो बट कोई बात नहीं, फिर से प्लस पे जाएंगे एंड यहाँ से देखेंगे बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट, साउंड इफेक्ट यहाँ पे सभी मिल चुके हैं, चलो इसको ये तो होना ही था। बाकी और चीज़ यहाँ पे चेक कर लेते हैं, स्टिकर वगैरह, स्टिकर हाँ चलो ये भी सभी दे दिया है, स्टिकर वगैरह भी हमें सभी दे दिया एंड यहाँ से हम साउंड इफेक्ट ये सब इमेज ये सब चलो अलाओ चलो ये सब भी दे दिया, चलो ठीक है। एंड गाइस और एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि फ्रेंड आपका मोबाइल का जैसे जिस ईमेल में अभी मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है जैसे कि ट्विन क्राफ्ट एप्लीकेशन को, और एक ईमेल से मैंने साइनिंग किया है, जैसे मैं उस ईमेल से साइनिंग करते बाय चांस मेरा जो मोबाइल डेट हो जाता है या उस मोबाइल पे अब हम दूसरे मोबाइल पे ईमेल अकाउंट साइनिंग करेंगे, तो उस मोबाइल पे जो हमारा ट्विन क्राफ्ट ईमेल उसी ईमेल जो है हमें ईमेल मतलब पेमेंट किए हैं उस ईमेल पे अब चलेगा या नहीं चलेगा, तो आपके उस जीमेल पे जिस जीमेल में आपने पेमेंट किया उस जीमेल पे आपका जितना भी मोबाइल पे लॉगिन होगा और जितने मोबाइल पे ट्विन क्राफ्ट एप्लीकेशन होगा सभी मोबाइल पे ट्विन क्राफ्ट वो चलने लगेगा। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को बता दिया ट्विन क्राफ्ट में पैसा पेमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो वैसे यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड कि यहाँ पे ट्विन क्राफ्ट अब मेरा जो है पैसा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है फ्रेंड तो नीचे कमेंट बॉक्स अपना राय भर दीजिएगा। सो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।